सभी कृष्ण लवर्स को मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अविशाद में। तो आज जो है आपको दिख रहा होगा ये पार्सल, ये हमारी बहन है कीर्ति, थाने से उन्होंने ये भेजा है। थाने मतलब ऐसा थाने नहीं, महाराष्ट्र थाने से ये जो गिफ्ट आया है, पिछली बार भी आया था, बहुत सुंदर सुंदर चीजें मैंने आप सभी को दिखाई थी। उसके बाद आज मैं ये गिफ्ट ओपन करने वाली हूँ, आज ही आया ये पार्सल। तो अगर इसको खोलने से पहले मैं कहना चाह रही हूँ आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अंत तक देखने बाद और चीजें अच्छी लगे, प्यार अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनसे शेयर करना चाहते हैं, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें कि मेरी बहन का ये प्यार कैसा आप सभी को लगा। तो यहाँ पर तो भाई एड्रेस वगैरह लिखे हैं हम दोनों बहनों के, तो वो मैं दिखाना नहीं चाहूंगी। मैं यहाँ से ओपन करती हूँ गिफ्ट को। तो जय श्री राधे, लास्ट टाइम जो भेजा था ना तो उसमें सिंदूर बिखर गया था, मे भी हो सकता ध्यान नहीं दिया होगा, इस बार और भी अच्छे से पैकिंग करके भेजा है कि दीदी के जो भी मेरा सामान है पूरा सही सलामत दीदी तक पहुंचे। तो अभी आ गए हैं, तो अच्छा खासा एक बैग में पैकिंग है, इस बार बैग में पैकिंग करके भेजा है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने इसलिए नहीं खोला, मैंने सोचा एक ये खुशी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं, और बाहर के नॉइस पर मत जाना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चले जा रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा हमारे आसपास, तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी जो है गिफ्ट में टिपिंग अच्छे से खासा कर रखी है, इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को खराब होने की कोई भी गुंजाइश है, लास्ट टाइम भी कुछ भी खराब नहीं हुआ था, बस जो सिंदूर है ना उसकी जो होगी शीशी वो थोड़ा जैसे होता है ना फाइबर टाइप में वैसा होगी तो टूट गई, फाइबर कांच जैसा ही होता है जल्दी ब्रेक हो जाता है यहाँ वहाँ पटकने से, तो टूट गई थी। तो कपड़े है ना ऐसा लग रहा था कि कपड़े ना रंग गए हो सारे, क्योंकि कई कपड़ों से ना फिर कलर वगैरह हटता नहीं है। तो पहले पूरे अच्छे से टेपिंग वेपिंग निकाल देती हूँ, सब आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या भेजा है। वैसे तो मेरी पसंद पूछी थी, बट मैंने कहा भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है वो भेजो, कीर्ति की पसंद भी उसमें बुरी नहीं है, बहुत अच्छी पसंद है, तो जो भी भेजती है बहुत अच्छा ही भेजती है, और अच्छे से टेपिंग वेपिंग निकाल देती हूँ। तो टेपिंग निकल गई है, अभी ये जादू का पिटारा खुलने वाला है, और बैग भी बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है बहुत कुछ बहुत अच्छा अच्छा है इस बार, कुछ ज्यादा भेज दिया कीर्ति, कितना थोड़ी भेजते है, बहुत ज्यादा दीदी कन्नू नन्नू के लिए भी है, कन्नू नन्नू के लिए भी है, और इसमें भी बहुत कुछ खबर है क्या क्या भेजा है। सबसे पहले ना मैं कन्नू नन्नू के खोल के देखूंगी, ठीक है ना, इसके बाद आपको दिखाऊंगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये वाइट वाइट क्या है ये मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कुछ गिर गया है या वाइट थैले में था क्या था, वाइट वाइट हर चीज में वाइट वाइट, कोई कपड़ा देना क्या नाम है, एक काम करो इसके पीछे एक रेड कलर का कपड़ा होगा वो देना, इससे भी काफी कुछ भेजा है क्योंकि ना सबसे पहले कन्नू के ड्रेस सब कुछ पता नहीं कैसे व्हाइट व्हाइट सा हो गया, क्या था भाई पाउडर जैसा तो लग रहा पाउडर, तो यहाँ पर मैंने ले लिया कपड़ा पहुँचने के लिए पाउडर जैसा सब कुछ। तो ये है कन्नू का सुंदर सा ड्रेस, ये ड्रेस ऑरेंज कलर में आपको येलो दिखाई दे रहा होगा, पिछली बार भी भेजा था जयपुरी लुक में, ये हमारे क्यूटी नन्नू का थोड़ा थोड़ा अलग लुक है बट अच्छा है। इसके बाद में क्या खोल के दिखूं पहले मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अनंत गैस करने वाला है बैठ के, इस बार अनंत मेरे साथ बैठा हुआ है, और शुन्नू के लिए भी है इसमें, तो सबसे पहले ना साड़ियां जो कि वहां की स्पेशल चीजें है ना वो भेजी गई है, मैंने कहा था जो अच्छा लगे ना वहां के अकॉर्डिंग तो वो भेजना, तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, मुझे वहां की चीजें इतनी अच्छी लगी थी, मैंने कीर्ति को कहा था कि मेरे लिए भेजना और जो बने मुझे बता देना, पर कीर्ति ने कहा नहीं दीदी मैं भेजने तो वाली हूँ आपको,
तो आपके पसंद का ही भेज दूंगी आपको जैसा चाहिए। तो भाई हमने भी कुछ नहीं बोला, भाई बहन समझदार तो है ही इतनी। तो ये एक साड़ी है बहुत ही सुंदर। अब मुझे भाई एग्जैक्टली नहीं पता इस साड़ी को क्या कहते हैं, बाहर के नॉइसेस तो मत जाना। पास में देखो तो ये वाला वर्क है। इस टाइप की साड़ी मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। ये पूरी साड़ी है, ये पल्लू एरिया, पल्लू एरिया दिखा देते हैं सबको। और इसका ब्लाउज जो है वो है पता नहीं सेम ही होगा, मेरी पता नहीं लग रहा भाई, मुझे सेम ही होगा, पता ही नहीं लग रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो पल्लू है, मे भी सेम ही होगा, मैं बाद में खोल के देखूँ। पल्लू बहुत सुंदर सा है, देखो ऐसे ना सोबर सोबर सी साड़ी मेरे पास है नहीं, सच्ची बताऊँ तो मुझे ऐसी ही चाहिए थी। क्योंकि सारी है ना वही सिप्पी सितारे, ये जड़ी वड़ी, हर जगह जड़ी जड़ी पहन के जाना वो नहीं होता। वैसे की थी दिवाली पे भेजने वाली थी, बट किसी कारणवश थोड़ा सा लेट हो गया, कोरियर वहां पर हो नहीं रहे थे उसके कारण। और इस बार तो भाई एक और भेजी है, ये भी बहुत सुंदर है, कलर भी सुंदर है, शायद मेरे पास है भी नहीं फिरोजी कलर, शायद तो एक ही नेट की साड़ी जो मैंने नवरात्रि में डाली थी, मरून एक कलर। ये भी कुछ वैसे से लुक में है जैसा पहले वाली साड़ी, बस इसमें जो है वो चीज अलग है थोड़ी सी। देखो मैं वर्क पास दिखा देती हूँ, वैसे वर्क नहीं आपको दिखेगा, ये मरून कलर है, मरून कलर वो था जो फिरोजी सा कलर है। और ये सेम मतलब पूरी की पूरी ना सेम है साड़ी, इसका पल्लू एरिया में दिखा देती हूँ आप सबको। पल्लू एरिया ये है, ये जाएगा इसका पल्लू। बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही सुंदर। अगेन थैंक यू कीर्ति, सुंदर सुंदर है ये सब कुछ। और शुनु के लिए चॉकलेट्स भी भेजी है, शुनु कन्नू ननू उनकी फेवरेट किटकैट। बैग भी बहुत सुंदर है, बैग बहुत सारे मेरे घर में, अभी एक और आ गया। और एक और साड़ी भेजी है, ये मेरी चॉइस की थी जो लास्ट टाइम भेजी थी ना, एग्जैक्टली कॉटन की सी लगती है मुझे ये साड़ी, वो बहुत ही सुंदर है। ये कलर भी मेरे पास नहीं था, ऐसे कलर मेरे पास ब्लाउज था बट साड़ी नहीं थी। पल्लू ये है, लास्ट टाइम जो भेजी थी मैंने पहनी थी गणपति पे, देखी होगी वो वाली कीर्ति ने भेजी थी, और मेरी एनिवर्सरी में मैंने पहनी थी वो भी कीर्ति ने भेजी थी। ये इसका पल्लू है, उस साड़ी के जैसे कुछ कुछ, और इस पर कोई वर्क नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, जो भी है धारे धारे हल्की सी वो धागे की आ रही है, इस तरीके का बॉर्डर है तो तीनों है। बट मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है इस पे सब पे व्हाइट व्हाइट लगा क्या है, वो मुझे कीर्ति बता सकती है। अब कपड़े खुल गए हैं, अब मैं बैंगल्स दिखा दूँ। बैंगल्स बड़े सुंदर है, लाखी भेजी है इस बार, जो कि हमारे राजस्थान में ना बहुत बहुत खास मानी जाती है लाखी। इस तरीके से सेट पहुँच देती हूँ, हर चीज़ को पता नहीं पाउडर जैसा सब कुछ है, पता नहीं क्या है। तो ये मल्टी कलर ला के है ताकि दीदी किसी भी साड़ी में पहन सके, ये ध्यान रखते हुए कीर्ति ने भेजा है, बहुत ही सुंदर है। पता नहीं आप सबको मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं एग्जैक्टली। तो इस तरीके से ये ला के है, साइज मेरा मांगा था मैंने दे दिया था, जो भी सुंदर है मल्टी कलर है, मैं ज़रूर पहनने वाली हूँ। और इसके बाद चूड़ियाँ भी है बाबा, चूड़ियाँ भी, और इसमें से ही इसमें से विभूति निकली है, विभूति भेजी है मेरे लिए बहन ने, विभूति निकली है भाई, विश्वनाथ विभूति भस्म, महादेव की भस्म है, मैं पूछने वाली हूँ कहाँ की है, ये भस्म ही निकली है, महादेव मैं लगा लेती हूँ मुझे नहीं पता था पाउडर जैसा क्या निकल रहा है, भस्म ऐसे ऐसे हिला होगा ना पार्सल के टाइम पे वो निकला है। और ये बैंगल्स है, पूछ लेती हूँ, रेड कलर में पक्की मीनाकारी वाली, इस तरीके से बैंगल्स है, ठीक है। और इसके बाद में विभूति तो बहुत अच्छी चीज है, मैं पूछूंगी एग्जैक्ट कहाँ की है या क्या होता है। ये माता रानी का श्रृंगार, क्योंकि तीज भेजी है, तीज करते हैं ना उनके में, तो उन्होंने मुझे एज अ बड़ी बहन तीज भेजा है, तो ये जो श्रृंगार चढ़ाया हुआ वो श्रृंगार है मेरे लिए। वो झूलू तो बड़ी प्यारी है, सुंदर सी,
और ये बिंदिया है नॉर्मल साइज, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। लाइट बहुत आ रही है इसलिए मैंने इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है। मैंने ना महाराष्ट्र ज्वेलरी पहनी थी तो कीर्ति का लगा हुआ कि तेरी को महाराष्ट्र ज्वेलरी अच्छी लग रही है, और शायद ना कीर्ति ने मुझे लग रहा है दो सेट भेज दिया है। मुझे पिक्चर भेजी थी कि दीदी आपको कौन कौन सा चाहिए, मैंने कहा भाई जो तुम्हें अच्छा लगे वो भेज दो, मैं तो क्या ही बोलूं, मुझे तो उतना कुछ है नहीं। तो ये एक सेट के साथ की बैंगल्स है, बहुत सुंदर है। मैं ना पिक्चर आपको मेंशन कर दूंगी, मैं थोड़ा क्लोज कर लेती हूँ कैमरा को ना, ताकि मैं आप सबको ना अच्छे से दिखा पाऊँ। मैं दिखूँ ना दिखूँ एटलीस्ट मैं आपको ये दिखा पाऊँ। बहुत ज्यादा ही रोशनी आ रही है, गेट बंद करना एक बार। इस तरीके से बबर है, मैं दिखाई नहीं पा रही, बहुत ज्यादा रोशनी हो रही है। जिस रोशनी की जरूरत है वो तो हो नहीं रही है, हम भी लगाऊंगी। तो ये जो है बैंगल्स है, अब शायद थोड़ा सा ठीक से दिखेगा, अब ठीक कर दिया। दो और है, चार बैंगल्स हैं ये, दो दो का मेटल होती है ना जो जर्मन सिल्वर जो वो है ये। बहुत सुंदर इसकी डिजाइन है, पास से देखो तो, जब मैं पहनूंगी जब पता चलेगा। अरे बबरे नेकलेस कितना सुंदर, अरे बबरे मैं पूरी मराठी लगने वाली हूँ इसको पहन के। बहुत ही सुंदर है कीर्ति, और ये चीज बहुत नाजुक है, जितनी सुंदर है उतनी नाजुक भी है, इसको बहुत केयरफुल रखना होगा मुझे। इसका वर्क है ना उस तरीके का है, घुंघरू उंगरू लगे हुए बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे। थैंक यू इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी भेजने के लिए भाई। कीर्ति ने मुझे पहने में देखा, कीर्ति का चॉइस पता चलती जा रही है दीदी की, कि दीदी को क्या पसंद है। एक ये है, ये उसके ऊपर पहनने का है शायद, तो जैसे कंठी तरीके से डलेगा, और वो वाला जो अभी दिखाया था वो लॉन्ग में डलेगा। मैं वो ना एग्जैक्टली रख के आपको पिक्चर क्लिक करके दिखा दूंगी किस तरीके का लग रहा है ना। और एक और है, इसमें भी अगेन डबल सेट है, कंठी है और लॉन्ग नेकलेस है। ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है, ये तो मैं जीन टॉप वगैरह पर भी डाल सकती हूँ, बहुत ही सुंदर सा है, जड़ाऊ जैसा ऐसे कंठी में पहना जाएगा। अभी तो मैंने अल्टर नेक पहन रखा है तो मैं दिखा नहीं सकती आप सबको, मैं दिखाती पहन करके एग्जैक्टली। तो सुंदर सा मंगलसूत्र, मुझे पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कौन सा किसके साथ का है, वो उसके साथ भी मैच हो रहा है, वो उसके साथ भी, मुझे लग रहा है ये वाला शायद इसके साथ का है, ये वाला इसके साथ का है, और जो कंठी है वो उसके साथ है इस तरीके से। दिख रहे इसकी इयर रिंग, बहुत ही सुंदर। अरे बाबा पूरा दिख ही नहीं रहा, क्या करूं, मुझे पिक्चर ही देनी पड़ेगी आप सबको। और जो दूसरे वाला है ना उसके साथ है जो टॉप्स, इसके साथ शैंडलियर है, टॉप्स ये सारी इसी तरीके से। और मराठी नथ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये मे भी मैं पहन के दिखा सकती हूँ, ऐसे पहनी जाएगी, अरे बाबा मुझे पहननी भी नहीं आती अभी तो मैं अजीब सी लगने वाली हूँ इसको पहन के। शिट कहाँ पहनी, नाक में पहले से पहना हुआ, उसको निकालना पड़ेगा मुझे, है ना भाई। ओ, मेरे नाक में नहीं आ रही है अभी फिलहाल कैसे पहनूं मैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया मैंने इस तरीके से, काफी बड़ा है। बिल्कुल नवारी साड़ी पहन के, और ये पहन के बिल्कुल महाराष्ट्रियन लगने वाली हूँ मैं, अगर पहनूंगी तो नवारी स्टाइल में, पेशवाई स्टाइल में, काफी स्टाइल में साड़ी पहनी जाती है। तो जो मुझे लग रहा था ये अलग अलग सेट है, देखा जाए तो ये अलग अलग भी पहन सकते हैं, और ये एक साथ ये पूरा सेट है, तो हम हल्के हैवी में या जैसे भी करके पहन सकते हैं बैंगल, चाहे एक पहनो चाहे डबल डबल पहनो, चाहे खाली एक चोकर और मंगलसूत्र पहनो, चाहे एक चोकर और दूसरा वाला नेकलेस पहनो सेकंड वाला,
चाहे एक चोकर और थर्ड वाला पहनो, चाहे पूरा सेट पहनो, चाहे लाइट कान के पहनो, चाहे शैलियर पहनो, चाहे नवारी नोज रिंग पहनो, तो टोटल मिला जुला के ये पूरा एक बिग सेट है, तो इसको कई तरीके से पहना जा सकता है। तो भाई इतना सब कुछ जो कीर्ति ने भेजा है मेरे लिए, उसके लिए, उस प्यार के लिए, गिफ्ट के लिए ना, उस प्यार के लिए, क्योंकि कोई किसी के लिए जब ही करता है जब मन में प्यार होता है, ठीक है। अगर मैं भी किसी के लिए करूंगी वो मैं जब ही करूंगी जब मेरे मन में उसके लिए, बंदे के लिए प्यार होगी, रिस्पेक्ट होगी, चाहे वो मेरे से छोटा है चाहे बड़ा है। तो कीर्ति ने इतना सब प्यार के जरिए ही भेजा है, जो भी भेजा है मुझे, और सब अपनी पसंद का भेजा है, जैसे उसे अच्छा लगा। और भाई मैं कभी भी किसी से भी, चाहे वो मेरी मम्मी होती या मेरी बहन होती या मेरी भाभी होती, मैं कभी भी किसी से डिमांड नहीं करती कि मुझे ये चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने इस बार किया क्योंकि लास्ट टाइम जो साड़ी भेजी थी ना इस टाइप से, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कीर्ति को बोला था कि कीर्ति मेरे लिए ना दो चार साड़ियां खरीद के भेज देना, जितना बनेगा मुझे बता देना। पर कीर्ति कहती नहीं दीदी, मैं तो भेजने ही वाली थी, तो अब मैं आपकी पसंद का भेज दूंगी, तो आप मत दो। मैंने काफी बोला बट कीर्ति ने मना कर दिया। मेरे पति देव ने भी बोला, तो कीर्ति ने बोला जीजू को बोलो बहनों के साइड में रहे, बीच में ना आए। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ बहुत बहुत सुंदर है। मैं पहन करके सबको, जब भी पहनूंगी ना मैं इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई पिक रील, कोई ना कोई मैं पोस्ट कर दूंगी। अभी तो इनको रेडी करना रहेगा तीनों साड़ियों को, और बहुत ही सुंदर है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ढेर सारा प्यार। माता रानी हम दोनों का रिश्ता ऐसे बनाए रखे, प्यार बनाए रखे, और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और हम जिन्हें अच्छा समझते हैं कई बार वो अच्छे नहीं निकलते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तों को हम, जब हमने सोचा भी नहीं होता ना कि भगवान हमारी झोली में इतने अच्छे रिश्ते डालेगा, लेकिन उस टाइम पे भगवान हमारी झोली में अच्छे रिश्ते डालता है जब हम सबसे दूर हो जाते हैं। तो भगवान अगर हम हमसे चार बंदे दूर कर रहे हैं ना, तो उसके बदले में कोई एक बंदा इतना स्पेशल भेजता है हमारी लाइफ में, या कोई भी चीज ही क्यों ना हो, वो तो पर्सन है, लेकिन अगर कोई चीज ही क्यों ना हो, अगर हम डिजर्व करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं। बाकी प्यार के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूंगी सब पर माता रानी कृपा बनाए रखे, राधा रानी सब पर कृपा बरसाए रखे, बंसी वाले सबको बहुत सारी खुशियां दे। इसी मनोकामना के साथ मैं शिवानी फिर से इजाजत लेती हूँ, आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।